हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LIS एकेडमी में। अकल दाढ़ दर्द कर रही थी, निकलवाइए फ्रेंड्स, जिसके कारण कई दिन से बोलने में असमर्थ था, इसलिए आज वीडियो थोड़ा लेट मिलेगी आप लोगों को। तो शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। अगर हाँ, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। लोकास सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी इनिशिएटिव बाई अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक पहल लोकास किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन देखते हैं। मैं केवल हिंदी का उच्चारण करूंगा ताकि वीडियो छोटी बने, आप लोग इंग्लिश वाला देखते रहिए ना। निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित अभिगम शिक्षा का उदाहरण है? तो इसका है आंसर टिप और मॉडल, दो ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं कोई है क्या, और कैंपस बग, ये तीन इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? तो वर्चुअल लाइब्रेरी जो निष्कर्ष है हमारा, वह वर्चुअल लाइब्रेरी रियलिटी का एक है। नया क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर डिजिटाइजेशन? अर्थात डिजिटाइजेशन है तो प्रलेखों के चयन में निम्नलिखित में से कौन से चरण होते हैं? नंबर एक है चेकिंग ऑफ कॉपीराइट, दूसरा प्रलेखों की शोध की महत्ता की जांच, और भी कोई ऑप्शन है क्या? चौथा ऑप्शन इसका है, यानी तीसरा ऑप्शन सही जो है, प्रलेखों की स्थिति की जांच। हाँ फ्रेंड्स, इसका टेलीग्राम सेक्शन से आप LIS एकेडमी के PDF ले सकते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, अभी तक आप लोगों ने मुझे दूसरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरे चैनल का नाम है मेरा आप बीती द रियल स्टोरी, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियो मोटिवेशनल टाइप आपको मिलेंगी, लाइब्रेरियंस की भी, दूसरे भी फील्ड के लोगों की। आइडेंटिफाई द ऑडियो फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल पुस्तकालयों के लिए श्रव्य संचिका प्रारूप, ऑडियो फाइल फॉर्मेट की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो है वह है .AIF और .RA। अगला क्वेश्चन है, ओस्टर डिजिटल पुस्तकालय वास्तुकला का एक उदाहरण है, किस पर आधारित है? तो ये वो आधारित है हमारा मेटा डाटा हार्वेस्टिंग पर, यह है आधारित है। नया क्वेश्चन है, TKDL डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय अर्थात ये किसके द्वारा विकसित प्रतिबंधित किया जाता है? TKDL, तो इसका आंसर है CSIR एंड आयुष के द्वारा। विच इज द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी, अर्थात डिजिटल लाइब्रेरी की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं या सीमित? तो वह प्रचलन लागत और हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का है? तो यह Amazon.com का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी पुस्तकालय नहीं है? तो बटे हुए भागों भौतिक भागों में जो पुस्तकालय है, विच डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन इट नॉट ए वर्चुअल लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है, किसी एकल में अथवा बहु संस्थान के बौद्धिक बहिर्वेश के अधिकार में लेने हेतु निर्मित डिजिटल संकलन को क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाता है डिजिटल रिपोजिटरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो यह EPUB अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इसका पूरा फॉर्म है। TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रतिबंधित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हमारा आ ही चुका है, आयुष और CSIR के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग की जो है लिमिटेड एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मेट इज नॉट यूज्ड बाय द ई बुक रीडर। तो यह है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन है। वर्चुअल लाइब्रेरी की पहुंच में क्या उपयोगी होता है? तो वह हमारा हाइपर कार्ड इसमें उपयोगी है। वर्चुअल लाइब्रेरी की पहुंच में हाइपर कार्ड उपयोगी है। और यह फिर नया क्वेश्चन ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा डिजिटल पुस्तकालय की पहल पर यह घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा किस संस्थान का डिजिटल प्रयास अर्थात नालंदा इज ए डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ NIT कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ई बुक विच डज नॉट हैज इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस इट्स कंटेंट्स आर साथ। निम्नलिखित में से कौन सी ई बुक विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है? तो दोस्तों यह हमारा डिजिटल बुक है। अगला क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रियलिटी द आप बीती द रियल स्टोरी आप बीती द रियल स्टोरी एंड डी एल इज कोऑर्डिनेटेड बाय IIT खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन में क्या क्या शामिल होता है? तो सृजित करना भंडार प्रबंधन सारकरण ये तीनों ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। लाइब्रेरी बीच विद फुल्ली ऑटोमेटेड सर्विस एंड डिजिटल रिसोर्सेज इज कॉल्ड अर्थात संपूर्ण स्वचालित सेवाओं और अंकीय संसाधनों सहित जो ग्रंथालय होता है उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको डिजिटल लाइब्रेरी या अंकीय ग्रंथालय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज अ जनरल नेम। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या है? एक सामयिकी का नाम या जर्नल्स का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द लाइब्रेरी यूजर अर्थात किस प्रकार के कंप्यूटर का पुस्तकालय में उपयोग सबसे उपयुक्त होता है? तो वह डिजिटल पुस्तकालय है। डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन इज इनकॉर्पोरेट सॉरी डिजिटल पुस्तकालय के कार्य में क्या शामिल है? तो यह क्रिएटिंग एंड कैप्चर सृजन पर एवं अधिप्राप्ति है भंडार प्रबंधन है खोज और अभिगम है। रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरीज आर द पोस्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड एज अर्थात गत दशक का डिजिटल पुस्तकालयों के विकास की रिपोर्ट को श्रेणीबद्ध किया गया है ट्रेंड रिपोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द कंप्यूटर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द लाइब्रेरी यूज अर्थात किस प्रकार के कंप्यूटर पुस्तकालय के उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह डिजिटल पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल पुस्तकालय के कार्य में क्या क्या शामिल होता है? तो ये हमारे सृजन अधिकृति भंडारण प्रबंध और खोज अभिगम ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए तो उसका एक फ़ायदा होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट होने से तो हमारे क्वेश्चन थोड़े अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज इज द पास्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड एज गत दशक का डिजिटल पुस्तकालयों के विकास की रिपोर्ट को श्रेणीबद्ध किया गया है ट्रेंड रिपोर्ट के अंतर्गत। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्चुअल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से कौन सा वर्चुअल लाइब्रेरी पुस्तकालय नहीं है? तो ये वितरित भौतिक स्थानों के साथ क्वेश्चन इसलिए भी रिपीट हुए हैं कि वो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसलिए वो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा ही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी टू द हाइब्रिड और डिजिटल लाइब्रेरी अर्थात परंपरागत पुस्तकालयों का हाइब्रिड या मिश्रित डिजिटल पुस्तकालयों में बदलना यह क्या होता है? तो यह प्रोसेस है हमारा चेंज मैनेजमेंट अर्थात परिवर्तन प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभिकथन पुस्तकालय के प्रत्येक फॉर्मेट और माध्यम में डिजिटाइजेशन संभव हो गया है। तर्क है, सभी पुस्तकालय अपने पाठ्य और दृश्य संग्रह का डिजिटाइज कर रहे हैं। इसका क्या है कि ए सत्य है और आर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल वस्तुओं की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? तो डिजिटल पुस्तकालयों की जो विशेषताएं होती हैं वह हैं हमारा भौतिक माध्यम, लॉजिकल प्रोसेस, कंसेप्चुअल या परिकल्पनात्मक पहचान एवं आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कुछ मिलान टाइप के क्वेश्चन थे। तो डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का संकलन जो डिजिटल वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से संग्रहित कर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गम्यता को प्रदान करते हैं। हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक तथा पेपर वातावरण के मिश्रित ढंग से सेवाएं प्रदान करती हैं। और आभासी लाइब्रेरी होती है स्थानीय ऑनलाइन कैटलॉग या अन्य गेटवे के जरिए विविध दूरस्थ स्थानों में इलेक्ट्रॉनिक सूचना की गम्यता यानी उपलब्धता एक्सेस जो दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, पुस्तक संग्रह को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्टोर किया जाता है और उसे कंप्यूटरों के जरिए अभिगम प्रदान करते हैं। फिर आभासीय वो ऐसे रेशन का क्वेश्चन, तो इंग्लिश वाला पोर्शन देख लीजिए, हिंदी का मैं कर रहा हूँ। डिजिटल वातावरण में उपयोगिता पुस्तकालय सीमा के व्यापक संसाधनों को विभिन्न आरूपों में एकल बिंदु अभिगम के साथ जोड़ने की प्रत्याशा करते हैं। कारण है, डिजिटल वातावरण में जो भी आवश्यकता है उसका काफ़ी कुछ पुस्तकालय के पास पहले से ही है। ए सत्य है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पुस्तकालय रिसोर्स को जब पढ़ा नहीं जा सकता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? सिचुएशन वर ए डिजिटल रिसोर्स इज नॉट लॉन्गर रीडेबल इज कॉल्ड यह डिजिटल अपक्षय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटाइजेशन की प्रौद्योगिकी तकनीक की पहचान करना है, द्विंतक ग्राह्य बिट डेप्थ रिजोल्यूशन और इमेज परिवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या डिलीवरी कार्यविधि से संबंधित है? कंप्यूटिंग हमारा एक्सेस लिंक के लिए उपकरण तथा तकनीकों से संबंधित है। WW नॉलेज नेविगेशन से संबंधित है। डिजिटल लाइब्रेरी का ये रिसोर्सेज का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिजिटल पुस्तकालय परियोजनाओं की पहचान कीजिए जिसका सीडेक एजेंसी द्वारा क्रियान्वयन किया गया था। तो यह है हमारा प्रिंट और ऑन बुक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी तथा क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल लाइब्रेरी बुक्स इन द प्रेजिडेंट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय परियोजना निम्नलिखित में से डिजिटल पुस्तकालय परियोजना की पहचान कीजिए जिसका सीडैक एजेंसी के द्वारा क्रियान्वयन किया गया था। तो यह है प्रिंट योर ओन बुक मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? तो यह है संग्रह कि एकल इंटरफेस या प्रवेश बिंदु वाली एक या अधिक कंप्यूटर प्रणालियों पर उपलब्ध संसाधनों का संग्रह। क्या है? हमारा वर्चुअल पुस्तकालय है। दूसरा, इसकी विशेषता एक और होती है, संदर्भ अंतर और पुस्तकालय ऋण इत्यादि प्रयोक्ताओं की सहायता की सेवा के लिए उपलब्ध कराता है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन ये थे। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन एंड हो चुका है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक आप लोग एंजॉय करिए पुराने क्वेश्चनों को, बहुत ज़्यादा वीडियो हैं। ये मत सोचिए कि पहला कलेक्शन बहुत कम है, कलेक्शन बहुत अच्छा है। बस बार बार रिपीट करिए, नोट्स बनाइए और PDF मेरे टेलीग्राम सेक्शन से लीजिए। बाय बाय।